पियरो साहब, एक रात में एनकाउंटर हुआ है, क्या है ये पूरा मामला? ये क्राइम ब्रांच की एक सीक्रेट सोर्स से इंफॉर्मेशन डेवलप हुई थी कि के आरोपी हैं जिसके ऊपर चार मुकदमे हैं, बल्लू बलविंदर, जिसपे लूट, हथियार सहित लूट और स्नैचिंग के चार मुकदमा दर्ज है। ये अपने एक अन्य साथी जो आरोपी था इसका, जो इसके साथ ही था, वो 302 में अभी जेल से बाहर आया था, जो भांखरी निवासी नरेश की हत्या में जेल में था जमानत पर आने के बाद। नाम क्या था? नरेश। और आरोपी जो हत्या का आरोपी है ये जो अनूप उर्फ छलिया और एक और अन्य आरोपी अरविंद, ये तीनों आरोपी दोध से आगे सोना की तरफ कहीं जा रहे थे, तो इन्फॉर्मेशन थी कि ये कोई वारदात कर सकते हैं, तो इन पे निगरानी, सूचना पे निगरानी रखी गई और क्राइम ब्रांच 48 अपने सरकारी गाड़ी के साथ और अपने स्टाफ के साथ वहाँ पहुँचे, तो इस लाखड़ी गांव के पास इनका आमना सामना हुआ है। इनको गाड़ी रोकने के लिए कहा लेकिन ये गाड़ी स्पीड से भगा ले गए, और जैसे इनको पता लगा पुलिस की गाड़ी है तो इन्होंने पुलिस की गाड़ी पर फायर कर दिया जो गाड़ी के बम्पर में लगा। इनको वहाँ रास्ते में पीए सिस्टम से अनाउंस किया कि आप सरेंडर कर दो, लेकिन ये भागते रहे। अगला गांव जो पावटा आया वहाँ पे उसके पास ये इन्होंने गाड़ी को, एक डेड एंड था वहाँ पे, गाड़ी को रोका और गाड़ी से उतरकर फिर पुलिस पे फायर कर दिया। पुलिस ने हवाई फायर करते हुए रुकने को कहा लेकिन ये नहीं रुके, और पुलिस ने जब इनको फायर किया तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने पैरों में गोली चलाने के लिए चलाई, तो उसी टाइम आरोपी अपने बचाव में डक कर गया, बैठ गया, तो उसके आरोपी को गोली लगी, तुरंत वो वहीं पे गिर गया था। तो उनको, आरोपियों को काबू किया गया है, जो साथी जो थे पुलिसकर्मी उनके साथ, जिनको बीके हॉस्पिटल लाया गया, तो आरोपी जो बलविंदर था उसकी उसमें डेथ हो गई, और जो दूसरे आरोपी जो अनूप छलिया है, जो हत्या का आरोपी है नरेश की हत्या का, इनसे इनको काबू किया था, और बलविंदर से एक हथियार बरामद हुआ जिससे वो गोली चला रहा था, जिसमें एक जिंदा राउंड भी बरामद हुआ, और इसके इनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है थाना दोज में, और आगे जो भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कितने आरोपी गिरफ्तार हैं? अभी गिरफ्तार नहीं है, वो जो दो आरोपी थे इनके साथ जो बलविंदर के साथ, उनसे पूछताछ जारी है, उनको जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें इनके खिलाफ 379B और लूट का मुकदमा दर्ज है, जो मृतक है इनके खिलाफ, और जो दूसरा आरोपी है ये जो अनूप उर्फ छलिया, इसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज है, जो जेल में बंद था, भी जवानत पर आया। उसके खिलाफ चार मुकदमा दर्ज हैं पहले से ही, जो चार मुकदमा दर्ज हैं उनके खिलाफ, जो दो मुकदमों में इसकी गिरफ्तारी थी, एक जो स्नैचिंग का था, जो चोट मारकर स्नैचिंग करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, उस मामले में एक में भी फरार चल रहा था, बाकी और में ये गिरफ्तार हो चुका था। हाँ, मृतक के दो मुकदमों में अरेस्ट हो चुका था पहले, और एक में वो फरार चल रहा था, अलग अलग थानों के मुकदमे। इसमें इससे आरोपी जो बलजिंदर है, इससे कट्टा बरामद हुआ है जिसमें जिंदा हथियार था, राउंड था।